ऐसा है कि मोदी जी क्या कहते हैं आप वो देख रहे हैं। मोदी जी की पूरी टीम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो माहौल नजर आता है राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, ये बदलाव का माहौल है लगता है, ऐसा है, और चौंकाने वाले परिणाम आएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पब्लिक का रेस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है सब जगह राजस्थान के अंदर। हम देख ही रहे हैं, बाकी खबरें आप लोग देते रहते हैं, जिस प्रकार की हरकतें हुई है देश के अंदर, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए और पैसा निकाल दिए इनकम टैक्स, तो कभी सुना नहीं ऐसी बात। पर सबसे अच्छी बात जो हम चर्चा में कर रहे थे कि अकाउंट सीज हो गए, जितनी इमदाद करनी चाहिए थी आई सी सी को कर नहीं पा रही है, उसके बावजूद भी पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, पब्लिक समझ गई है इनकी हरकतों को, दो दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड से देश को लूट लिया, ईडी बेच के पैसा इकट्ठा कर लिया और केस खत्म कर दिए। ये जो कुछ भी हुआ देश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आए हैं, उसके बाद में माहौल बदल गया है। हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, सबके सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में ये बैकफुट पर आ गए हैं, आज तक उनके जवाब नहीं दे पाए हैं, आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो तरीका था लेने का, धमका करके, डरा करके, ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई के दुरुपयोग करके वो सामने आ गया, इसलिए आज बोलना पड़ा अमेरिका को, जर्मनी को भी कि क्या तमाशा भाई, दो दो मुख्यमंत्री जेल डाल दिया आपने। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा कि ये तो आपके यहाँ पॉलिटिकल पार्टी मेन है विपक्ष के अंदर, कांग्रेस खाते कैसे आप अकाउंट कैसे सीज कर सकते हैं, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। और मैं कह सकता हूँ आपको, जो भाषण हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी से और बाकी नेताओं के, वो सब बैकफुट पर आ रहे हैं, जनता भी समझ गई। इसलिए आज जनता हमारा साथ दे रही है, अकाउंट बंद होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह दुगना आ गया है। उन मालूम में साधन नहीं है कैंडिडेट के पास में, कैंडिडेट पर साधन नहीं है, जितने साधन है जितना वो एफोर्ड कर सकते हैं कैंडिडेट खुद, थोड़ा बहुत पार्टी कर सकती मदद, चाहे प्रदेश कांग्रेस करो चाहे AICG करो, उसे वो संतुष्ट कार्यकर्ता, अब वो नकल पड़ा मैदान के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो माहौल बन रहा है, आज हमारी मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए आपको बता दिया अध्यक्ष जी ने, कल आप हर जिले के अंदर जिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस की, एक प्रकार से उनकी कमेटी वही कैंपेन कमेटी बन जाएगी, कुछ नाम वहाँ ऐड कर देगा अध्यक्ष जी उसके अंदर, इस प्रकार से कैंपेन कमेटी हर जिले में हो जाएगी। जो मेंबर बने हैं वो जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जिलों के अंदर, और जो गारंटी कार्ड हमारा है, जो भी अध्यक्ष जी ने कहा आपको, घर घर जाएगा गारंटी कार्ड। और सबसे बड़ी बात है गारंटी कार्ड का जो महत्व है, मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन गया है, जिस प्रकार राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके अंदर जो निचोड़ निकला पब्लिक का फीडबैक का, उसके आधार पर ये हमारा मैनिफेस्टो बना है। 5 न्याय के साथ 25 गारंटी दी गई है, उसे किसान की बात करें, महिलाओं की करें, युवाओं की करें, श्रमिकों की करें, आप अगर देखा होगा आपने, आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि जो हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि समय आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि सोशल सिक्योरिटी की ध्यान दें, व्यक्तिगत रूप से घर घर भरवा करके कैसे दे सकें, इस बात के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम को हमारे कार्यकर्ताओं को लगाया जाएगा। और बाकी हम जो बड़ी रैलियां कर ही रहे हैं, बाकी जो विधानसभा वार जो भी हमारे वहां के लीडर हैं उनका टूर प्रोग्राम वॉर रूम मंगवा रहा है कि आपका क्या रोज़ाना का टूर प्रोग्राम रहता है, कोई संसाधन की तो कमी नहीं है, कहीं कोई जातिगत या कोई लीडर जिसको जहाँ ज़रूरत है बुलाने की वहाँ पर हम बुलाए जा रहे हैं। और जो BJP कैंपेन कर रही है वो किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है, वो फीडबैक भी हम लोग यहाँ लें और उसका किस तरीके से काट कर सकें, किस तरीके से वो सच्चाई बता सकें। जैसे आज ही बात आई थी कि
देश के प्रधानमंत्री को यही पता नहीं है कि बाबा रामदेव पीर का जन्म कहाँ हुआ, वो उसको कश्मीर जो बाड़मेर में है उसको कश्मीर जम्मू कश्मीर से जोड़ करके कह रहे थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग सब सारी चीज़ें वाच कर रहे हैं। तो उनके कंपेन का जवाब, हमारा कंपेन हमारे बूथ लेवल के ऊपर कैसे कार्यकर्ता एक्टिव रहें और हमारी गारंटियाँ किस प्रकार से जाएँ, और बड़े जो लीडर्स हैं हमारे ICC के और हम लोग जो यहाँ पर स्टार प्रचारक हैं उनका रूट कंपेन कैसे रहे, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी चर्चा हुई है और निर्णय लिया। सर एक संसाधन की आप बात कर रहे हैं, कई कैंडिडेट कह रहे हैं कि आर्थिक नहीं हो पा रही है, आपको कहा किसी ने? सर कह रहे हैं जो चुनाव आयोग तय कर रहा है कि इतना खर्चा आप कर सकते हो, उस खर्चे में तो कोई कमी आएगी नहीं और बाकी तो अलाउ ही नहीं है किसी को, तो कोई कह ही नहीं सकता।